Yeah, it was good. Every character is like awesome. उन्होंने बहुत अच्छे role किए, especially the lead characters, Ayushmann and the lead heroine. उन्होंने बहुत अच्छा role. क्या खास बात लगी? Comedy है. Comedy है and practical topic पे ये movie बनाया है. That's the reason हम लोग first day first show देखने आए हैं. And we were very excited and. मैसेज डेफिनेटली दे रही है बिकॉज ये अगर किसी की लाइफ में हो रहा है हाउ वी कैन डील इट बिकॉज ये एकदम प्रैक्टिकल है सो इसीलिए बहुत अच्छी लगी मुझे. अच्छा, सॉन्ग्स वेर ऑसम, स्पेशली द मोरनी सॉन्ग आई लाइक अ लॉट. 5 आई वुड गिव. 4.5 अच्छी लगी, बेस्ट है. कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी. बेस्ट है. किसका लगा? आयुष्मान खुराना है. आयुष्मान खुराना का बेस्ट लगा. क्या मैसेज दे रही कोई मूवी लास्ट में? बस किसी भी उम्र में कुछ हो जाए, मेरे होने की जरूरत नहीं है. गाने कैसे लगे? बेस्ट है. और तुम्हें कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 5 में से 4.5. मूवी देख क्या रहे? कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी. क्या खास बात लगी मूवी में? प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताया है, मतलब अगर किसके लाइफ में होता है तो कैसे डील करना चाहिए एंड ऑल दैट, वो सब बताया है. सॉन्ग्स किस तरह के लगे? बहुत अच्छे थे. मुझे मीन्स लीड की जो मदर ने ट्रिक किया है, आई थिंक मीना, वो बहुत अच्छा था. बहुत मुझे अच्छी लगी उनकी एक्टिंग, बहुत अच्छी थी. गाने मोरनी द बेस्ट सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग. हाँ वो भी, हाँ बेटर, वो भी बहुत अच्छे. 5/4. बहुत अच्छी मूवी थी. एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी इतनी अच्छी मूवी होगी, पर बहुत अच्छी मूवी थी. आयुष्मान की परफॉर्मेंस, अंधाधुन के बाद ऐसी परफॉर्मेंस, मतलब बैक टू बैक परफॉर्मेंस बोल सकते हैं. सानिया मल्होत्रा की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. पटाखा के बाद ऐसी परफॉर्मेंस है ना, छा गए मूवी में. केमिस्ट्री की बात करें तो जच रहे दोनों साथ में. लगा नहीं था कि इन लोग दोनों साथ में केमिस्ट्री इनकी जमेगी, पर जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है वो बहुत अच्छा है. सॉन्ग्स, जो लास्ट में सॉन्ग था वो मेरा फेवरेट है, वो सबसे अच्छा लगा. 3.5. बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी. क्या लगी एक्चुअल? फिल्म का स्क्रिप्ट जो था वो बहुत ही बढ़िया था, और सभी लोगों ने परफॉर्म जो किया वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया. स्पेशली आयुष्मान खुराना, उनकी दादी, उनके पिताजी और नीना गुप्ता. इनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी फिल्म में, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी. नमस्ते इंग्लैंड अपोजिट में, क्या नमस्ते इंग्लैंड को टक्कर दे पाएगी? हाँ जरूर टक्कर दे. मेरे ख्याल से नमस्ते इंग्लैंड तो मैंने देखी नहीं है, पर जिस तरह की स्क्रिप्ट इस फिल्म की है तो ऐसी फिल्म तो रिसेंट टाइम में आई नहीं है. और नमस्ते लंदन जो है रेगुलर फिल्म है. हाँ ऑब्वियसली जरूर जरूर बदल पाएगी. इन लोगों ने प्रेजेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से किया है स्क्रिप्ट को, और इन लोग का काम बहुत ही अच्छा है. हाँ जरूर जरूर, ये फिल्म हर कोई देखना चाहिए. एक बार देखने लायक तो फिल्म है ही है ये. गाने फिल्म के ठीक थे. 3.5. थैंक यू.